हेलो दोस्तों, माय टॉपसी टर्वी लैंड में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग निकल चुके हैं नोएडा से तेहरी डैम के लिए, और हम लोग मॉर्निंग में 3 बजे निकल चुके थे नोएडा से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नोएडा से तेहरी लेक की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। वैसे तो मैप पे शो कर रहा है कि हम 6 घंटे में पहुँच जाएंगे, मगर देखते हैं कि हमें कितनी टाइमिंग लगती है वहाँ पहुँचने में। हम रास्ते में मुजफ्फरनगर में एक ढाबा पर रुके थे जिसका नाम था शिव ढाबा। हम लोग यहाँ करीब 4:45 बजे पहुँच चुके थे। फिर हम चाय वाय पी के यहाँ से 5:30 तक निकल गए। जब हम निकले थे तो काफ़ी अंधेरा था, लेकिन अभी आप देख रहे हो सनराइज होते हुए। दोस्तों, हरिद्वार होते हुए हम तेहरी डैम के लिए जा रहे हैं, तो हम हरिद्वार लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। हम हरिद्वार लगभग 6:30 बजे तक पहुंच चुके थे, और ये आप सब भी गंगा मैया के दर्शन कर लो। यहाँ से हर की पौड़ी अच्छे से दिखाई दे रही है। और ये रास्ते से आप देख सकते हो मनसा देवी के मंदिर, ये दिखाई दे रही है पहाड़ पे। मैंने इस वीडियो में हरिद्वार तक के रास्ते की वीडियो नहीं डाले है, क्योंकि इससे पहले मैंने हरिद्वार की वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ऑलरेडी रास्ते की वीडियो डाली है। आप सबने अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। हर हर गंगे, जय गंगा मैया। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ सुबह की आरती हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ बहुत भीड़ थी। यह है हर की पौड़ी। दोस्तों, यहाँ मई जून में काफ़ी भीड़ होती है, इस वजह से यहाँ ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा थी, और हमें 1.5 घंटे तक यहाँ रुकना पड़ा था। ये शिव जी की प्रतिमा स्वामी विवेकानंद पार्क में स्थित है। पौड़ी से कुछ दूर आगे जाने के बाद ये जैन मंदिर है, जो कि यहाँ की फेमस मंदिरों में से एक है। आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हो, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। हम लोग वैसे तो ऋषिकेश होते हुए जाने वाले थे तेहरी डैम, लेकिन मैप में ऋषिकेश से 10 मिनट पहले ही एक रास्ता शो कर रहा था तेहरी डैम के लिए, तो हम उस रास्ते से निकल गए। वैसे ऋषिकेश के रास्ते से भी हम चंबा होते हुए जाते, और जिस रास्ते से हम गए थे वो भी चंबा होते हुए जाती है, और एक रास्ता देहरादून होते हुए भी है जो धनौल्टी होते हुए जाती है। अगर हम ऋषिकेश होते हुए जाते तो हमें 10 किलोमीटर करीब और ज़्यादा ड्राइविंग करनी पड़ती, लेकिन अगर हम जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से हम कम टाइम में पहुँच गए थे। और अगर देहरादून होते हुए जाते तब तो मुझे लगता है कि 40 किलोमीटर करीब और ज़्यादा जाना पड़ता दूर। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से हमें पहाड़ों पर जाने का मौका मिला था। इससे पहले हम दिसंबर में गए थे, तो करीब 6 मंथ हो गए हमें गए हुए। जब भी मैं कहीं भी पहाड़ को देखती हूँ, तो मैं जब फर्स्ट टाइम कन्याम गई थी जो नेपाल में है, वो टाइम याद आ जाता है मुझे। बहुत ही मज़ेदार ट्रिप था वो हम लोगों का।
मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है पहाड़ों पर जाना, वहाँ एक्सप्लोर करना। अभी तक मैंने ट्रैक नहीं किया है, मगर मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ट्रैक करना चाहूँगी। अभी तो वैसे मेरी बेबी भी बहुत छोटी है, तो उसके साथ ट्रैकिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आगे जाके कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर ज़रूर ही करना चाहूँगी। और हाँ, लेकिन आप सब भी हमें सपोर्ट ज़रूर करो, तो ही हम और भी जगह का एक्सप्लोर कर सकेंगे और आप सभी के लिए भी हम नए नए वीडियो अपलोड कर सकेंगे। बस आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और शेयर करें अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स में भी। यहाँ पे कब हमने चढ़ाई करनी शुरू कर दी हमें पता भी नहीं चला था। आप मॉर्निंग में जितनी जल्दी निकलोगे उतने कम ट्रैफिक मिलेंगे आपको, और यहाँ के रोड तो बहुत ही सही हैं, आपको कहीं भी रास्ते में पैचेस नहीं देखने को मिलेंगे रोड पर। आप जब पहाड़ों पे आ जाओगे तो कुछ दूर तो आपको बहुत ही कम चौड़े रोड मिलेंगे, लेकिन कुछ दूर के बाद आपको बहुत ही अच्छे रोड देखने को मिलते हैं और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ ड्राइव करने में भी। आप जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हो वैसे वैसे आपको व्यू इतने सुंदर सुंदर देखने को मिलते हैं। हम तो रास्ते में कितनी बार रुके होंगे और फोटो क्लिक किए होंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर था वहाँ का नज़ारा। ये जहाँ हम रुके थे ये कोई नरेंद्र नगर जगह थी, जहाँ हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे रुक के। मैं बता नहीं सकती हूँ यहाँ का व्यू इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। आप जाओगे ना आपको बहुत ही मज़ा आएगा जाने में, रास्ते में तो और मज़े आते हैं, मतलब आपको जहाँ तहाँ इतना सुंदर सुंदर व्यू दिखेगा। हम यहाँ पे 8 बजे तक पहुँच चुके थे, हमें यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, हम आराम से पहुँच गए थे और रास्ता तो कमाल का था, तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी। बस हरिद्वार में थोड़ी देर हमें ट्रैफिक में रुकना पड़ा था। दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में पूरी कोशिश की है रास्ते की वीडियो अच्छे से बनाने की, ताकि आप सब जब भी प्लान करो ट्रिप की तो रास्ते की जानकारी अच्छे से ले पाओ मेरे इस वीडियो से, क्योंकि आजकल जनरली सारे लोग खुद से ड्राइव करके जाना चाहते हैं, जिनके पास अपनी व्हीकल होती है वो, तो वो एक बार रास्ते के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह के रास्ते हैं। मेरे हस्बैंड भी खुद से ड्राइव किए थे पहली बार किसी पहाड़ों पे, वो तो बहुत एक्साइटेड थे, मगर थोड़ा डर था कि कैसा रास्ता होगा, चढ़ाई कैसी होगी, लेकिन रास्ते इतने सही थे कि कहीं भी हमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हुई थी। हम लोग ये एक जगह रुके थे जहाँ ऋषिकेश बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा था, लेकिन वीडियो में पता नहीं चल रहा वो। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आप रेनी सीज़न में बिल्कुल नहीं जाए पहाड़ों पर, क्योंकि बहुत ख़तरा होता है रेनी सीज़न में जाना, कहीं भी आप फंस सकते हो, जगह जगह पर लैंडस्लाइड होते हैं और पेड़ वे गिरे पड़े मिलते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि रेनी सीज़न में आप जाना अवॉइड करें। आपको न्यूज़ में भी ये सब सुनने को बहुत मिल रहा होगा अभी कि हिमाचल प्रदेश में भी क्या हो रहा है और उत्तराखंड में भी हर जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, तो जब भी आप प्लान करते हो किसी ट्रिप के लिए, खासकर पहाड़ों पे जाने के लिए, तो आप थोड़ा इन सब चीज़ों को देख के ही प्लान करो। दोस्तों, आप सितंबर में अगर आते हो यहाँ तो इस रास्ते में आपको छोटे छोटे वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा कुछ कुछ दूरी पर ही, मगर हम लोग मिड ऑफ जून में गए थे तो ऐसा कुछ नहीं हमें देखने को मिला था। आप सितंबर में भी जाने का प्लान कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा सीज़न होता है।
दोस्तों, मैं आपको टिहरी लेक के में बारे में बताऊं तो ये एक ऑफ बीट प्लेस है। यहाँ आप आराम से एंजॉय कर पाओगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती है और यहाँ लेक में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, तो ये आपकी ट्रिप को और मज़ेदार कर देगा। यहाँ आपको इको फ्रेंडली इको हट कॉटेज मिलेंगे। यहाँ आप चाहो तो एक दो दिन रुक सकते हो और आपके बजट में भी काफ़ी होटल्स रिजॉर्ट मिल जाएंगे आपको। यहाँ आपको कॉटेज या होटल्स के चारों तरफ पहाड़ ही दिखेंगे और यहाँ एक फ्लोटिंग इको हट है जो टिहरी लेक के बीचों बीच में है। जैसे आप मालदीव्स में देखे होंगे कि वहाँ के रिजॉर्ट कैसे होते हैं। हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए थे तो हम यहाँ रुके थे मैगी खाने के लिए और हमें अभी भी बहुत दूर जाना था। हम पहाड़ों के ऊपर आ चुके थे मगर अब हमें नीचे जाना था टिहरी लेक के लिए, जो कि आप देख सकते हो अभी बहुत दूर है। और यहाँ का व्यू आप पूछो ही मत कितना सुंदर था। दोस्तों, अगर आप भीड़ भाड़ से दूर कुछ दिनों के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो टिहरी लेक बेस्ट प्लेस है जाने के लिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है और इन्जॉय भी बहुत करोगे आप। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टिहरी लेक के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि वहाँ क्या क्या है और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। दोस्तों, मैं टिहरी लेक के वेदर की बात करूं तो समर में यहाँ गर्मी तो होती है मगर 4-5 बजे के बाद बहुत ही अच्छा वेदर हो जाता है, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होगा आपको। तो अगर आप समर में यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ विंटर क्लॉथ्स लाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग चंबा पहुंच ही चुके थे और जब हम चंबा के जो मेन चौक पे पहुंचे थे तो वहाँ हमें मैप में थोड़ी रास्ते देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने किसी से पूछा था कि किस साइड से जाते, मगर वो शायद नहीं समझे होंगे हमारी बात और हम गलत रास्ते में चले गए थे। यहाँ से हमने राइट ले लिया था जो कि नहीं लेना है। यहाँ से आप सीधे जाओगे तो 10 किलोमीटर की दूरी पे ही है टिहरी डैम, लेकिन हम राइट ले लिए थे जिसकी वजह से हम करीब 10-12 किलोमीटर दूर जा चुके थे। फिर हम रास्ते में किसी से पूछे कि और किधर जाना है, तो वो हमें बताए कि हम गलत रास्ते में आ चुके हैं, तो आपको इस साइड नहीं आना है, आप चंबा जो चौक है वहाँ से आप सीधे जाओगे, लेफ्ट राइट कहीं नहीं लेना आपको। हम यू टर्न लेके फिर से वही चौक पे आए, फिर वहाँ से हमें 10 किलोमीटर लगा था पहुँचने में टिहरी डैम। दोस्तों, टिहरी लेक से धनौल्टी और मसूरी भी पास ही है, तो आप चाहो तो यहाँ एक दिन रुक के या सेम डे लेक में एक्टिविटीज़ करके धनौल्टी या मसूरी भी जा सकते हो, क्योंकि टिहरी लेक से धनौल्टी 45 किलोमीटर की दूरी पर है और मसूरी 77 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। अब हम लगभग पहुंच ही चुके हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ हमने कॉटेज बुक किया था। यहाँ से आपको लेक बहुत ही अच्छे से दिखने को मिलता है, बहुत सुंदर देख सकते हो आप यहाँ से। अब ये आप देख पाओगे जो नीला नीला सा पानी है, यही है टिहरी लेक। बहुत ही बड़ा सा ये लेक है, मैं आपको आगे जब पहुँचूँगी तो वहाँ की वीडियो दिखाऊँगी।
ये मेरी डॉटर और हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे कि मैं कब जल्दी से वीडियो बना के आऊँ। और ये मेरी दोस्त है जो कि सोई हुई है अभी। दोस्तों हम लोग तेरी लेक एग्जैक्ट 11 बजे पहुंच चुके थे। हमें मैप में 6 आवर्स दिखा रहा था और हमें 8 आवर्स लगे, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हमें क्योंकि हम रास्ते में बहुत जगह रुके भी थे और ट्रैफिक में भी थे, तो सही टाइम पर पहुंच गए थे हम। ये आप लेक देख पा रहे होंगे यहाँ से। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से वीडियो लेके दिखा पाऊँ। और ये हम पहुंच चुके थे तेरी डैम। यहाँ हमने जो आप वो कॉटेज देख रहे होंगे वहीं हमने बुक किया है इको हट। उसकी भी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ये है हमारा कॉटेज जहाँ हमने बुक की थी। इको हट कॉटेज है ये कोटी कॉलोनी में। इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से दूंगी कि यहाँ आप कैसे आ सकते हो, कैसे आपको बुकिंग करनी है यहाँ पे और कितने चार्जेस हैं, ये सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और अपने रिलेटिव्स में, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। मैं कुछ ही दिनों में दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें यहाँ के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर ही देखना।